तो एवरी जो हमारी अभी लॉन्च हुई है इसके अंदर भी कंपनी ने एक बहुत अच्छा जो है वो अट्रैक्टिंग एक फीचर दिया है, वो ये कि इसमें दो वेरिएंट हैं VXR और VX। तो जो VX वेरिएंट है अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी से एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको 1.5 लाख रुपये कैश बैक उसके अंदर मिलेगा। मतलब जैसे 2749 अगर गाड़ी के प्राइस हैं तो 1.5 लाख रुपये माइनस करके आपको जो है वो कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करेगी। और दिसंबर के अंदर लकी ड्रॉ होगा फर्स्ट 40 कस्टमर्स का, उनको जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपये का कैश बैक मिलेगा जो विन करेगा उस लकी ड्रॉ के अंदर। चले मैं तो स्मूथ है माशाल्लाह गाड़ी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कराची के मेन शाहराह फैसल पर और यहाँ मेरे सामने सुजुकी की ऑथराइज डीलरशिप सुजुकी कराची मोटर्स, जहाँ हम आए हैं और सुजुकी एवरी की 11th जनरेशन की लॉन्चिंग में जहां दो वेरिएंट को मुतारिफ करवाया है VX और VXR को। प्राइस की अगर मैं बात करूं, जो बेस वेरिएंट है VX 27.5 लाख रुपए में लॉन्च किया है और जो VXR वेरिएंट है जो इसका फुल ऑप्शन है वो 28 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए के फ़र्क से VXR का जो है वो वेरिएंट लॉन्च किया गया है। वैसे तो जैपनीज वेरिएंट पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा है, पर पाक सुजुकी ने सुजुकी बोलान उर्फ कैरी डब्बे की जगह इस ट्रायंगुलर बॉक्स यानी सुजुकी एवरी को मुतारिफ करवाया है। जैपनीज वेरिएंट इस वक्त 2022 के मॉडल 35 से 36 लाख रुपए में इंपोर्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इस न्यू लोकल सुजुकी एवरी का कॉम्पिटिटर इसका जैपनीज वेरियंट ही है। जो जैपनीज वेरिएंट इस वक्त आ रहा है उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ एडवांस फीचर्स भी साथ दिए गए हैं, और अभी सिर्फ हम जो देख रहे हैं ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों को ही मुतारिफ करवाया है पाक सुजुकी ने। वैसे तो ये गाड़ियां पाकिस्तान में कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। अब चूँकि सुजुकी बोलान डिसकंटिन्यू हो गई है, जिसमें ना तो आपको ABS ब्रेक मिलते थे और ना ही एयर बैग, इस हवाले से ये सुजुकी एवरी काफ़ी बेहतर है इस कैरी डब्बे से। अब जल्दी से मैं आपको इसका वॉक अराउंड करवा देता हूँ। फ्रंट से देखें या साइड से या पीछे से तो पूरी गाड़ी एक रेक्टेंगुलर शेप में दी गई है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजिन हेडलैम्प्स दिए हैं। VXR में आपको मैनुअली लेवलिंग ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। इस गाड़ी की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल लेंथ है 3395 mm की, जिस अगर हम इसको सुजुकी बोलान से कंपेयर करें तो ये 140 mm बड़ी है, लंबी है सुजुकी बोलान से। और अगर मैं इसकी चौड़ाई यानी विड्थ की बात करूं तो 1475 mm इसकी जो है वो चौड़ाई, अगर मैं सुजुकी बोलान से इसको कंपेयर करूं तो ये 80 mm चौड़ी है सुजुकी बोलान। ऊंचाई की भी अगर मैं बात करूं हाइट की तो 1895 mm की इसकी ऊंचाई, 5555 mm की जो इसकी ऊंचाई है वो सुजुकी बोलान से ज़्यादा है। टायर साइज वही बोलान का है इसके अंदर 145R12C। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है, 150 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई। साइड मिरर बहुत खूबसूरत दिया गया है, साइज में बहुत बड़ा है और साथ ही नीचे इसके अंदर एक वाइडर एंगल का मिरर भी दिया गया है। पीछे से अगर मैं गाड़ी को देखूं तो ये भी एक ट्रायंगुलर बॉक्स की शेप के अंदर है पीछा रेयर भी, जिसके अंदर ऊपर जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया। विंड पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर आपको डिफोगर मिलेगा और साथ ही इसके अंदर वाइपर भी दिया गया। इधर एक कीलेस एंट्री दी गई है, सेंट्रल लॉकिंग इसके अंदर मौजूद है। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो बेज इंटीरियर कलर के अंदर जो है इसका इंटीरियर थीम है। पावर विंडो आपको आगे वाली दोनों डोर्स हैं, आगे वाले दो डोर हैं उनमें आपको पावर विंडो दिए गए हैं। पीछे वाले जो डोर हैं उसके अंदर मैनुअली जो है ये खुल बंद। पावर स्टीयरिंग भी इसके अंदर दिया गया है, ये आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा और VXR में भी। ये 2 kg का हैंगर दिया हुआ है, आप इसमें आप कोई भी चीज़ लटका सकते हैं। और ये वो हैंडल है जो साइड में आपको एक ग्रिप नज़र आती है, और ये ग्लो बॉक्स भी इसमें दिया गया है, साथ ही इसमें कॉइन बॉक्स भी दिया है। और ये 12P का सॉकेट है, इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। पीछे वाली सीट्स के नीचे आप देखेंगे कि रॉड आपको इसमें दिखेगी और व्हील पाना जो है वो साथ दिया गया है। और इस बॉक्स के अंदर जो है वो जैक रखा हुआ है और साथ ही बहुत सारा स्टोरेज। स्पेयर व्हील जो है वो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील जो है वो देखने को। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में इसमें मैकफर्सन स्टार्ट कॉइल स्प्रिंग दिया गया है, जबकि रियर के अंदर आइसोलेटेड
ट्रेलिंग लिंक कॉइल स्प्रिंग है। इससे जाहिर होता है कि ये एक अच्छा खासा लोड गाड़ी को उठा सकती है। इसकी जो लगेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 350 kg का वज़न जो है ये गाड़ी आराम से उठा सकती है। अगर देखा जाए तो स्टोरेज की जो जगहें ये तो भरी हुई हैं और ये कार्गो के काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल ये गाड़ी है। सीट फैब्रिक भी बेहतर है और सीट के नीचे जो है वो इंजन रख इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वाटर कूल्ड 4-स्ट्रोक इनलाइन 3 सिलेंडर ये गाड़ी है जो कि 32 kW या आप कह सकते हैं 43 hp जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको बोलान से कंपेयर करें तो 27.5 kW बोलान प्रोड्यूस कर रही थी जबकि वो 800 cc इंजन था और 37 hp जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस हवाले से अगर देखें तो वो 6 hp ज़्यादा है इसका जो इसका मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। साथ ही इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 58 Nm का टॉर्क है जबकि बोलान का जो है वो तकरीबन 60 से अबव था। तो ऑब्वियसली ये इंजन साइज़ छोटा है, 660 cc का इंजन है तो उस हवाले से तो इसकी जो हॉर्स पावर है वो बहुत अच्छी है। और इसका फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 37 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है और इस गाड़ी का जो कार्ब वेट है जो गाड़ी का वज़न है वो तकरीबन 900 kg इस गाड़ी का वज़न है। मीटर अगर हम बात करें तो इसमें एनालॉग मीटर दिया गया है, ऑटो मीटर रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, ट्रिप का ऑप्शन दिया गया है, फ्यूल बार इसमें लेफ्ट साइड जो है वो आपको नजर आएगा, एवरेज जो है वो किलोमीटर पर लीटर का ऑप्शन इसमें दिया गया है और साथ ही इसके अंदर रेंज का ऑप्शन दिया गया है। तो डैशबोर्ड में आपको एसी के वेंट्स और सेंटर में आपको रेडियो प्लेयर, एसी के जो रेगुलेटर नोब्स हैं वो दिए गई हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, दोनों कॉर्नर्स पर आपको कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे। ये पीछे वाली जो सीट्स हैं ये 2-step सीट्स फोल्डिंग दी गई हैं इसके अंदर जो कि इस तरह से ये आसानी से फोल्ड हो जाती हैं और पूरा जो फ्लैट बैट है ये बन जाता है जो कि इसमें कार्गो स्पेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। अब जल्दी से मैं आपको VX और VXR के वो 10 फ़र्क बता देता हूँ और जो 10 चीज़ों का फ़र्क है वो VX में आपको और जो VXR है इसमें 50,000 रुपये का फ़र्क है प्राइस के हवाले से। सबसे नंबर एक VXR के अंदर जो चीज़ें हैं तो VXR में आपको मिलेगा AC, पावर विंडो और रेडियो प्लेयर इसके अंदर दिया गया है जिसमें साथ ही 2 स्पीकर का जो है आगे आपको VXR वाले वेरिएंट में मिलेंगे। साथ ही इसमें कीलेस एंट्री जो है वो दे दी गई है और इसके साथ मैंने आपको दिखाया था असिस्ट ग्रिप जो हैंडल है वो आपको देखने को मिलेगा VXR वेरिएंट के अंदर। सिक्योरिटी अलार्म जो है ये बार बार बीप करेगी तो ये वाला फीचर्स भी जो है वो VXR वाली वेरिएंट में दिया गया है। और एक अच्छा ऑप्शन जो है ये एक एंटी पिच ऑप्शन है जो कि आपके जो मिरर होते हैं साइड मिरर होते हैं जैसे जब आप बंद कर रहे होते हैं तो कोई भी अगर हाथ अंदर डाल रहा हो या चीज़ आप कोई निकाल रहे हो तो वो रुक जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है ये भी अच्छा है। इसके अलावा रेयर वाइपर जो है विथ वॉशर के साथ ये आपको VXR वाले ऑप्शन के अंदर दिया गया है। अच्छा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुनेद भाई और जुनेद भाई देखते हैं यूज़ कार, यू हेड ऑफ़ यूज़ कार भी हैं गाड़ी के हवाले से, पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये कुछ बेनिफिशियल कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी गाड़ियाँ अपने पास रखते हैं वो एक्सचेंज करना चाह रहे तो उनके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त डील है ये बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई। वालेकुम सलाम जी जुनेद भाई। सुजुकी कराची मोटर शारा फैसल से मैं बिलोंग करता हूँ और हमारे पास एक बहुत अच्छा सेगमेंट आपको पता ही होगा की टू की एक्सचेंज जो है वो सुजुकी ने लॉन्च किया है, उसमें आपको प्रायोरिटी डिलीवरी मिलती है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं देना पड़ता। तो एवरी जो हमारी अभी लॉन्च हुई है इसके अंदर भी कंपनी ने एक बहुत अच्छा जो है वो अट्रैक्टिंग एक फ़ीचर दिया है वो ये कि इसमें 2 वेरिएंट हैं VXR और VX। तो जो VX वेरिएंट है अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी से एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको 1.5 लाख रुपये कैश बैक उसके अंदर मिलेगा। मतलब जैसे 2749 अगर गाड़ी के प्राइस हैं तो 1.5 लाख रुपये माइनस करके आपको जो है वो कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करेगी। वो एक तरीके से डिस्काउंट है या आप इसको एक्स्ट्रा फीचर समझ लें कि आपकी पुरानी गाड़ी भी अच्छे प्राइस में जो है वो हम परचेज कर लेंगे और आपको एक्सचेंज के अंदर 1.5 लाख रुपये का बेनिफिट देके हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा ये गाड़ी ये जो आप डील बता रहे हैं ये सिर्फ VX वेरिएंट में VXR में नहीं है? नहीं ये सिर्फ VX वेरिएंट के अंदर है। ठीक है ये एक्सचेंज कस्टमर्स के लिए स्पेशल है ये। ठीक है ठीक है।
और इसके अलावा जो आप बता रहे थे 40 कस्टमर्स जो हैं पहली बुकिंग फर्स्ट जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो फर्स्ट 40 कस्टमर्स होंगे उनकी जो है प्राइस पूरे कंफर्म करके कंपनी उनको बुकिंग पे गाड़ी दे देगी, और दिसंबर के अंदर लकी ड्रॉ होगा फर्स्ट 40 कस्टमर्स का, उनको जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए का कैशबैक मिलेगा जो विन करेगा उस लकी ड्रॉ के अंदर। ठीक है, ये पार्क सुजुकी की तरफ से या कराची मोटर्स की तरफ से? ये पार्क सुजुकी की तरफ से है, ऑल ओवर पाकिस्तान जितने फर्स्ट जो पहली बुकिंग होंगी 40 के। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और 2 महीने का बुकिंग टाइम पीरियड है। ठीक है, और आप 2 महीने में आपको गाड़ी भी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू। प्राइस का मैं आपको बता चुका हूँ, जो VX है 27.5 लाख रुपए की है, जबकि 50,000 रुपए इजाफे के साथ VXR 28 लाख रुपए की है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में इसका ऑटोमेटिक वेरियंट भी मुतारफ़ करवाया जाएगा। सुजुकी ऑल्टो का अगर ऑटो गियर ट्रांसमिशन ही दे दें तो वो भी चल जाएगा। 4 कलर की चॉइस है, वाइट, ब्लैक, सिल्वर और ग्रे। 3 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी है। और पार्क सुजुकी जो है पाकिस्तान का एक पॉपुलर ब्रांड है, 100 शहरों में 170 से ज़ायद डीलरशिप मौजूद हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस का जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा, खासकर इसकी कीमत के हवाले से। क्या आपको लगता है कि मार्केट के हालात को देखते हुए ये जायज़ कीमत है? अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड फी अमानिल्लाह। आगे का जो ओपनर है वो ओपनर आगे का बोनट खोलने के लिए दिया हुआ है, इसको खोल लेते हैं। बाकी जो पेट्रोल को खोलने का जो लिड है ना वो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से ये खुलता है। हाँ यही तो होता है, पेट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है ना, खुल गया। हाँ तो यहाँ से खोला है ना, ये यहाँ से दिया। ऑल्टो डिस्प्ले हटा दी मैंने, पीछे हो गई ना। अच्छा, आगे एसी का इसमें सामान है, खाली एसी का ही है ना, एसी है, कूलेंट है, वॉशर वगैरह, बस बाकी सब सीट के नीचे। सही, तो ये इसका इंजन कंपार्टमेंट है, जैसे बेस वहीं होता जाके चेसिस नंबर होता है ना, चेसिस नंबर ये रहा, ये इधर आगे दिया। अरे सिंपल यहां हमने दिया हुआ, वो हमने असल में, हां लेकिन सीट उठाने के बाद ही नजर आ जाएगा। पीछे की सीट वही कन्वेंशनल है, ये सीट फैब्रिक भी सही है, लेबलिंग के साथ जो आइटम लगी हुई है वो सारी वही आइटम है। अच्छा, सीट कनेक्शन आईलैंड, ठीक है, पूरे सामान है, इवन जो इसके रिमोट आए थे, सीट बेल्ट्स यहां दिए हुए हैं इसके, सिर्फ बॉडी जो दिखा रहा है, इवन सिर्फ ऑल्टो क्योंकि आप साइज वाले फ्यूल अंदर दिखा रहे हैं, सीट थाईलैंड है, सेफ्टी मीटर सेट कर दिए, 2 एयरबैग्स डाल दिए, दोनों एयरबैग आपको दोनों मिल जाएंगे। आ जाओ भाई, पुल खुला हुआ था, टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं भाई, आ जाओ भाई सामा, ऐसे तो भाई बैठो। ये क्या सिक्योरिटी हिला रहा है? नहीं नहीं, अच्छा वहाँ से आवाज़ आ रही है, बंद करिएगा सर, गाड़ी बंद करिएगा। अच्छा चले, आप फ़ोन कर दें, हो गई स्टार्ट, स्टार्ट चल, पता भी नहीं लगा माशाल्लाह। अच्छा सर, ये वाला VXR का वेरिएंट है ना? ये VXR वेरिएंट है, ठीक है, चले चले। दो स्पीकर है इसमें, इसमें USB लगा देते, लटक छटक वाली, थोड़ा सा उठा के भी ना, मेन रोड पे आएंगे ना फिर चेक करेंगे इसका पिकअप कितना है। पीछे मावे वावे रखेंगे, अच्छा ऐसा ही है। सीट बेल्ट बांध ले, हाँ सीट बेल्ट नहीं बोलो तो। ये मेन शारा फैसल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, अरे थोड़ा सा शूट मारिएगा ज़रा सा ना, ये ज़रा पता तो चले कितना इस गाड़ी दूसरे गियर पे ये गाड़ी है। हाँ अच्छा, इंजन नीचे ही है ना इसके, सीट के नीचे ही है, सीट के नीचे, खबर चले, मतलब स्मूथ है माशाल्लाह गाड़ी। राइड बहुत अच्छा।
बोलान में चार गियर आ जाते हैं, आर सीरीज इंजन है इसका। दो एयर बैग है इसमें, सही है। पावर विंडोज पे दिए हुए, एबीएस भी दिया हुआ है, सही है। कप होल्डर आप देखो, शॉपिंग बैग होल्डर है, हाँ ये भी दिया हुआ है, शॉपिंग बॉल होल्डर भी यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ दो एयर बैग्स भी दिए हुए, दो एयर बैग हैं, ए बी एस भी है माशाल्लाह। भी मैं ट्राई करूँ इसको, इधर से याद इसका टॉर्क ज्यादा अच्छा है, और पावर भी अच्छा है।